माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया और भारत देश प्रगति की तरफ बढ़ भी रहा है। आज एक बार फिर सबका साथ तो वैश्विक महामारी का विनाश। जी हां दर्शकों, भारत इस समय ऐसी विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारत ही नहीं पूरा विश्व मैं कहूं तो, लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है, ऐसी परिस्थितियों में भी लड़ने की हिम्मत है। अब रोज आंकड़े तो देख ही रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा कहें या माननीय मोदी जी की निर्णय क्षमता कहें कि समय रहते उन्होंने जो निर्णय लिए वो बड़े ही सराहनीय हैं। 21 दिन का लॉकडाउन, लॉकडाउन यानी आप घर पे रहिए, घर पे रहकर इस कोरोना जैसी महामारी से हम लड़ सकते हैं। सभी लोग इसे बहुत साधारण बात समझ रहे हैं, लेकिन देखिए बाकी देशों का हाल क्या हो रहा है। समय रहते उन्हें निर्णय नहीं लिया, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय रहते ये निर्णय लेकर हम सबकी सुरक्षा की है। और अब हमसे एक अपील कर रहे हैं कि हम सब भी उनके साथ मिलकर अपनों की और अपने देश की रक्षा करें। उसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल घर में रहने की जरूरत है। घर में रहकर अगर हमें मजबूरीवश बाहर जाना भी पड़े तो उसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। समय समय पर उन्होंने कई संवाद किए, उन संवादों में उन्होंने उन कर्मवीरों का सम्मान किया जो इस कोरोना जैसे संक्रमण बीमारी के इलाज के दौरान कर्मशील हैं। होना भी चाहिए, ऐसा ध्यान केवल भारत देश ही रख सकता है। और आज फिर एक बार मोदी जी ने अपील की है कि हम अपने घर में रात को अपने घर की लाइटें बंद करके घर के बाहर बालकनी में घर की चौखट पर दीप प्रज्वलित करें। उसका एक बहुत बड़ा मतलब है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें और एक साथ ही कार्य करके हम भारत को फिर से एक बार एक सूत्र में बांधकर एकता का परिचय दें। और इसके साथ ही मोदी जी का यह संदेश है कि सबका साथ तो वैश्विक महामारी कोरोना का विनाश, तो आइए हम सब मिलकर इस महामारी का विनाश करें, दीप प्रज्वलित करके अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़कर एक बार फिर हम भारत देश को सोने की चिड़िया बना